जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी के दौरान आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना होता है। इसी परेशानियों में एक सबसे बड़ा परेशानी ये है कि जब भी आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि मैं 5 से 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करूँगा, बीच में मुश्किल से 4 या 5 मिनट का रेस्ट लूंगा केवल, लेकिन इसी दौरान आप देखते होंगे कि मुश्किल से 30 मिनट 45 मिनट आप कंटिन्यू पढ़ते होंगे, उसी बीच झपकियां आने लगती हैं, कई बार नींद भी आ जाती है। तो इस परेशानी का सामना भला कैसे किया जाए, क्या इन सब चीजों को खत्म किया जा सकता है या नहीं, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको क्लियरली सारी चीजें समझाती हूँ, बताती हूँ। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप करते होंगे, जिसके वजह से आपको बीच में पढ़ाई करते हुए झपकियां या नींद आती है। बात करते हैं सबसे पहली गलती की। दोस्तों, सबसे पहली गलती ये होती है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल टाइम पर और कॉलेज टाइम पर टॉप किए होते हैं, टॉपर होते हैं या टॉप 10 के लिस्ट में होते हैं, और उसी लिस्ट को बनाए रखने के लिए वो कई सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे कि 24 घंटे में 18-18 घंटे पढ़ते हैं और अपनी नींद तक को छोड़ देते हैं, मुश्किल से 2-3 घंटे 4 घंटे ही सोते हैं, और बॉडी का ये जो सर्कुलेशन है वो बना रहता है। अब ये लोग सोचते हैं कि मुझे UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम का या फिर अपने स्टेट के सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। जब वो तैयारी करते हैं तो वही रूटीन यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि ग्रेजुएशन टाइम तक जो पढ़ाई थी और ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। आपका टाइम टेबल पहले वाला यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, ना आपके बॉडी का और ना ही आपके पढ़ाई का। अब दूसरे नंबर की गलती की बात करते हैं तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बात होती है कि अगर हम अपनी नींद को त्याग देंगे तो हमें सफलता जल्दी मिलेगी, क्योंकि कई सारे क्विट्स वो पढ़ते रहते हैं और उसमें ये बात लिखी हुई होती है कि जो लोग नींद को त्याग दिए हैं उन्हीं को सफलता मिलती है, और अपनी नींद को त्यागने की ये प्रोसेस वो अपने लाइफ में अपना लेते हैं और फिर 6 घंटे के बजाय वो मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे ही सोते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के एस्पिरेंट्स की, जो गलतियाँ करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर वो किसी रूममेट के साथ रह रहे होते हैं या उसके बारे में जानते हैं कि वो कितनी रात तक पढ़ता है या कितने देर तक जागता है, तो उसी को देखते हुए वो अपने लाइफ में भी उसे फॉलो करने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, ये तो थी परेशानियों की लिस्ट। अब बात करते हैं समाधान के बारे में, कि आखिर इसका समाधान या सोल्यूशन क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको करना है कि आपको अपने बॉडी को रेस्ट देना है, वो भी 6 से 7 घंटे के लिए और कंटिन्यू। ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि कंटिन्यू आराम देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि 2 घंटे अभी सो लिए, उसके बाद 1 घंटा पढ़ाई किए और उसके बाद फिर 2 घंटे सोए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मान लीजिए कि रात को 12 बजे सोना है तो सुबह 6 से 6:30 बजे तक सोते ही रहना है, कंटिन्यू सोना है, बीच में पढ़ाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब आप अपने लाइफ में डेली रूटीन में ये चीज़ फॉलो करेंगे तो शुरुआत के दिनों में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में ये चीज़ सही हो जाएगी। दोस्तों, जब आप शुरुआत में अपने बॉडी में ये बदलाव करेंगे तो ये हो सकता है कि आप 6 घंटे 7 घंटे सोने के बाद भी जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो 1 या 2 बार झपकी आएगी ही आएगी। वो इस वजह से आती है क्योंकि आपको एक लंबे टाइम से इस चीज़ की आदत हो जाती है, तो बॉडी उस टाइम भी अपने आदत के अनुसार उसे फॉलो कर रही होती है, और आपको इसी चीज़ से बचना है। और इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपके आसपास आपके जानकार में जो भी लोग हो, आप उन्हें ये बोल दें कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो हर 15 से 20 मिनट में आपसे बात करें, मतलब कि एक बार देख लें कि क्या कर रहे हो आप, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। इससे क्या होगा कि आपका माइंड इस बात को ध्यान में रखेगा कि आपका परिचित इंसान आपके ऊपर ध्यान दिया हुआ है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, और जैसे ही अगर नींद आए तो वो बीच में टोके कि आप सो रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपको पढ़ाई करना है। और इस तरीके से आप लगभग 1 से 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते अगर ऐसा करते हैं, बाद में आपकी बॉडी की रूटीन अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही आपको अपने बॉडी को ये भी ऑर्डर करना होगा कि तुमने 6 घंटे की नींद ले ली है, अब उसके बाद मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। जब बार बार ये बात रिपीट करेंगे तो दिमाग ये बात फिर अपने आप में ऐड कर लेता है
और फिर वो याद रखता है कि उसे कब सोना है और कब नहीं सोना है। दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि आपका अपना टाइम निश्चित होना चाहिए कि किस टाइम पर आप सोएंगे और किस टाइम पर आप पढ़ेंगे। बॉडी भी उसी हिसाब से काम करने लगती है, इसीलिए रात का समय बहुत अच्छा होता है सोने के लिए। आपको अपने परिस्थितियों के हिसाब से अपने सोने का टाइम निश्चित करना होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि रात में शांति होती है तो मैं पढ़ लूंगा और दिन में सो लूंगा, लेकिन दिक्कत ये होती है कि दिन में अगर आसपास कहीं हल्ला होता है तो उस दौरान आप अच्छे से सोएंगे नहीं, और अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो फिर से आपकी पढ़ाई के दौरान आपको झपकी भी आएगी, आपका फोकस नहीं होगा। इसी वजह से नींद भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि 6 से 7 घंटे आप बहुत बेहतरीन तरीके से सोए हुए हैं तो उसके बाद आपको नींद भी नहीं आएगी और मन लगाकर आप पढ़ाई कर पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो कई सारे क्विट्स पढ़ लेते हैं और उसी क्विट्स को उसी दिन से अपने बॉडी में फॉलो करने के लिए बिल्कुल ऑर्डर देते रहते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी ने कोई क्विट बनाया है, कोई मोटिवेशनल लाइन बनाई हुई है, तो वो अपने लाइफ के हिसाब से बनाया हुआ है। अगर आपके लाइफ में वो फॉलो होता है तो फॉलो करें, और अगर आपके लाइफ के हिसाब से वो फॉलो नहीं होता है तो फॉलो नहीं करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर ये क्विट्स बोल दिया है, ये मोटिवेशनल लाइन बोल दी है कि आप रात भर जाग करके पढ़ाई कर सकते हो और दिन में सो जाओ, और आपकी हालात या आपकी परिस्थितियां उस हिसाब से नहीं है, आप जबरदस्ती अगर उस लाइन को फॉलो करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। दोस्तों, कुछ चीजें आप ध्यान देना, आपकी पढ़ाई के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए आप खुश रहो, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपकी पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए, ये सभी चीज आपकी नींद से जुड़ी हुई होती है। अगर आप अच्छे से सोए हुए होंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से खा पाएंगे, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, सारी चीजें हो पाएंगी। तो आपका टाइम पे सोना और टाइम पे उठना बहुत जरूरी है, इसीलिए कहते हैं कि आपका डेली रूटीन अच्छा होना चाहिए। आप 12 बजे सोएं तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठ जाएं, उसके बाद आप पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई करें, बाकी काम करें, उसके बाद अपने टाइम पर फिर से सो जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिन परेशानियों के बारे में चर्चा की गई है और सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की गई है, आपके अपने लाइफ में अगर ऐसी परेशानी है और इन सॉल्यूशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या क्या आपके लाइफ में बदलाव आया है, क्या चेंजेस आए हुए हैं, ये सारी चीजें हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक या कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। UPSC और PSC से रिलेटेड लगभग हर जानकारी हमारे चैनल पर आसान भाषा में दी जाती है। आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।